गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग सब घर में सेफ है, सुरक्षित है, खुश है। ठीक है, एक नए तरीके की पढ़ाई आजकल हम कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन वीडियोस की पढ़ाई, या फिर आप कह सकते हो ऑफलाइन में आप वीडियोस देखते हो टीचर्स के फिर पढ़ते हो। तो बेटा, इसके पहले जो हम पढ़ते आ रहे थे सालों से, शायद आपके पेरेंट्स लोगों ने भी ये दिन कभी नहीं देखा होगा कि हाँ वीडियो ऐसा कुछ आएगा या सुन के पढ़ना है या कुछ। तो आज जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये अगर हम कोरिलेट करें तो एक बहुत फेमस जो था धनुर्धर, नाम सुना होगा आपने एकलव्य, उससे कुछ मैच करती पढ़ाई हो गई है आजकल हमारी। एकलव्य एक इतना अच्छा धनुर्धर था, लेकिन उसको उसके टीचर गुरु द्रोणाचार्य ने धनुष विद्या सिखाने से मना कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही ऐसी फैमिली को बिलोंग करता था कि पुराने टाइम में उन फैमिलीज में धनुर्विद्या नहीं सिखाई जाती थी। तब एकलव्य ने सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उसके सामने प्रैक्टिस कर एक बहुत अच्छा धनुर्धर बना, और इतना अच्छा धनुर्धर कि वो अर्जुन से भी आगे था। सिर्फ वो अर्जुन से आगे ना निकल पाए, इसलिए उसको गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा देना पड़ा। ठीक है, तो जब एकलव्य उस टाइम पे अपने गुरु की फोटो देखकर अपने गुरु को पूरे डेडिकेशन के साथ एक अच्छा धनुर्धर बन सकता है, तो मेरे ख्याल से हर एक बच्चा टीचर्स की वीडियो देखकर, बुक्स पढ़कर, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेकर इस लॉकडाउन पीरियड में भी एक अच्छा स्टूडेंट बन सकता है, क्योंकि सब में खूबियां होती है, सब में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज होती है, और आप उस क्वालिटी को अगर जान पाओगे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन, थोड़ी सी सिंसेरिटी के साथ, आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट्स बन सकते हो। कि जैसे ये लॉकडाउन जब ओपन होगा और क्लास में बच्चे आएंगे, तब आप लोग ब्लैंक नहीं रहेंगे, आपके पास ढेर सारा नॉलेज होगा अपनी क्लास का। ठीक है, तो हर वीडियो को ध्यान से देखो और उससे सीखो, समझो, और अपने अंदर के एक स्टूडेंट को जगाओ और पढ़ाई करो। ठीक है, ये है आपकी क्लास का आज का मेरा मोटो। नाउ स्टार्ट अवर क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, जो ऑलरेडी हम अप्रैल में कर चुके हैं, बट टेक अ स्मॉल रिविजन ऑफ द एक्सपेंडेड फॉर्म, जिससे आप अपनी वर्क बुक, जो आपकी मैथ्स बुक जो अभी भी आपको मिली है, उसकी वर्कशीट्स आप कंप्लीट कर पाओगे आराम से। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपैंड का मतलब होता है बेटा एक्सप्लेन करना, बढ़ाना। ठीक है, उस फॉर्म में हमें अपने नंबर्स को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर इज 200, 325, ओके? प्लेस, इसके पहले प्लेस और प्लेस वैल्यू के वीडियो में आपने देखा होगा, वंस, टेंस, हंड्रेड। ठीक है, अब हमें इस नंबर को किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो क्या करोगे आप, इसकी प्लेस वैल्यूज को यूज करोगे। प्लेस वैल्यू हमने सीखी थी, ठीक है, जैसे 300 प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 प्लस 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। टेंस प्लेस पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू 20, एंड 5 इज इन वंस प्लेस सो दैट इज 5। ये जो लिखने का तरीका होता है, ये जो राइटिंग वे ऑफ राइटिंग है, दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंडेड फॉर्म। और ये जो है, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो दिस इज शॉर्ट फॉर्म, दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म। इस नाम को, इस टर्म को याद रखना, क्योंकि जब भी एग्जाम में आपसे पूछेंगे राइट एक्सपेंडेड फॉर्म, तो आपको ये वाला फॉर्म यूज करना। लेकिन अगर आपने एक्सपेंडेड फॉर्म याद नहीं रखा है, सिर्फ इसको याद रखा, तो आपको क्वेश्चन के टाइम याद ही नहीं आएगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब लिखते कैसे है। ठीक है, तो ये बहुत इजी फॉर्म है, हम और क्वेश्चंस करते हैं इसके। नेक्स्ट इज 105, ठीक है, वन स्टैंड 100। अब 105 स्टार्टिंग हमें 100 प्लेस से करना है, तो 1 जो है वो कौन सी प्लेस पे, 100, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 100 प्लस 0 इज इन टेंस प्लेस सो पुट ओनली 0, 5, ओके। अगेन वन मोर क्वेश्चन, 236, 1 स्टैंड 100, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 100, दैट इज 200 प्लस 3 इज इन टेंस प्लेस सो इट्स बिकम अ 30 प्लस 6 इज इन वंस प्लेस सो इट्स बिकम 6 ओनली, ओके। रीड करोगे तो दोनों साइड सेम होगा, 236, 236, ओके।
नाउ वन मोर क्वेश्चन 980 तो वन स्टैंड 100 इन 100 प्लेस व्हाट इज रिटन ओवर हियर 900 प्लस टेंथ प्लेस पे क्या लिखा है 80 प्लस वन प्लेस इज जीरो ओके लाइक दिस यू हैव टू राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द शॉर्ट फॉर्म ठीक है ये एक्सपेंडेड फॉर्म है ये शॉर्ट फॉर्म है अगर एग्जाम में बोला है राइट एक्सपेंडेड फॉर्म तो आप ये लिखोगे और एग्जाम में अगर एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है और आपसे बोला है राइट शॉर्ट फॉर्म तो आपको ये लिखना है ठीक है सो कीप रिमेम्बर दिस थिंग और इसकी प्रैक्टिस आपको आपके बुक में वॉल्यूम वन में मैथ्स की वॉल्यूम वन में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म के क्वेश्चंस दिए हैं वर्कशीट आप ओपन करोगे मैं आपको पेज नंबर भी सेंड कर दूंगी आपके व्हाट्सएप पे और आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों अब हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है आप अपने सिलेबस की जो वॉल्यूम वन है रोज एक पेज पूरी एक साथ नहीं करना है रोज एक पेज वर्कशीट की सॉल्व करोगे और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आती है लेट्स डिस्कस ओके सो चैप्टर सिक्स पैटर्न इसको छोड़ के आप वॉल्यूम वन पूरी सॉल्व कर पाओगे आराम से आपने अगर मेरी वीडियो सुनी है मेरी क्लासेस अटेंड की है तो आप ये कर पाओगे वॉल्यूम वन कंप्लीट और नहीं तो आप वीडियोस को दोबारा देखना ठीक है ओके ऑल द बेस्ट स्टे होम स्टे सेफ हैव अ नाइस डे